हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल थिंक यूरोलॉजी एंड गायनेकोलॉजी। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आपका 25th वीक स्टार्ट हो जाता है, यानी कि आपका 7th मंथ ऑलमोस्ट स्टार्ट होने वाला है, तो इस टाइम पे काफ़ी लोगों के यहाँ सेलिब्रेशंस का टाइम होता है, यानी कि बेबी शावर वगैरह होता है। काफ़ी सारी फीमेल्स को टेंशन होने लगती है कि अब डिलीवरी होने वाली है, तो उसका डर आने लगता है। तो इस वीक में आपकी बॉडी में क्या चेंजेस होते हैं, आपके बेबी में क्या चेंजेस होते हैं, आपको अपना ध्यान कैसे रखना है, और जो डैडीज हैं उनके लिए क्या सलाह रहेगी, इन सब चीज़ों के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। देखिए, इस वीक में आपकी बॉडी में क्या चेंजेस होते हैं, आपका जो यूट्रस का साइज है वो अम्ब्लाइकस से लेके जो चेस्ट के सेंटर की हड्डी होती है, जिसको कि स्टर्नम बोलते हैं, उसके लोअर एज के, यानी कि अम्ब्लाइकस और लोअर एज ऑफ स्टर्नम के एकदम मिडल में होता है, वहाँ तक आपका यूट्रस पहुँच जाता है। साथ ही साथ में काफ़ी सारे लोगों को थोड़ा बहुत डिप्रेशन होने लगता है, क्योंकि आपका वेट बढ़ने लगता है, आपके हार्मोन्स की वजह से बॉडी में चेंजेस होने लगते हैं, उसकी वजह से आप ठीक से बैठ नहीं पाते हो, लेट नहीं पाते हो, सो नहीं पाते हो, कुछ काम ठीक से नहीं कर पाते हो, आपको वीकनेस लगने लगती है, एंग्जाइटी होने लगती है, फटीग होने लगती है। तो इन सब चीज़ों की वजह से आपको थोड़ा बहुत डिप्रेशन होने लगता है, कई बार हाथों में झनझनाहट होने लगती है, पैरों में सूजन आ जाती है, तो आपको एक डर सा लगने लगता है। लेकिन आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, इस टाइम पे आपको चीयरफुल रहना, हेल्दी रहना, खुश रहना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो अब बात करते हैं आपके बेबी में क्या चेंजेस होते हैं। देखिए, आपके बेबी की हाइट लगभग 13 इंचेस के बराबर होती है, बेबी का वेट लगभग 700 से 750 ग्राम्स के बराबर होता है, बेबी का ब्रेन का डेवलपमेंट बहुत फास्ट हो रहा है, बेबी के लंग्स में ब्रांचिंग और लंग्स का डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, बेबी की जो आई लैशेज होती हैं वो बंद रहती हैं, लेकिन बेबी उस लाइट को सेंस कर सकता है, क्योंकि रॉड्स और कॉन्स का डेवलपमेंट बेबी का शुरू हो जाता है, तो बेबी इजली लाइट को महसूस करता है। बेबी काफ़ी सारे मूवमेंट्स करने लगता है पेट में, इधर से उधर एमनियोटिक फ्लूड में थोड़ा बहुत मूव करने लगता है, जो कि आपको किक की फॉर्म में फील भी हो सकते हैं। तो ये सब कुछ बेबी के चेंजेस थे। साथ ही साथ में बेबी में फैट की लेयर भी आ जाती है, जिसकी वजह से उसमें स्किन की ट्रांसपेरेंसी थोड़ी थोड़ी जाने लगती है, यानी कि फैट का डिपोजिशन बेबी की स्किन के नीचे शुरू हो जाता है। तो अब बात करते हैं कि आपको अपने लिए क्या खास ध्यान रखना है। देखिए, आपको हेल्दी और न्यूट्रिशियस डाइट लेना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप अपना हाइड्रेशन मेंटेन रखिए, हेल्दी डाइट लीजिए, न्यूट्रिशियस डाइट लीजिए, क्योंकि अगर आपने अपनी हेल्दी और न्यूट्रिशियस डाइट नहीं ली, तो इससे एक तो आपके बेबी का डेवलपमेंट अच्छा नहीं होगा, साथ ही साथ में बेबी में काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि एडल्ट में वो प्रोन हो जाएगा, जैसे कि डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, हार्ट डिसीज़ में, इन सब चीज़ों को लेके एडल्ट लाइफ में बेबी प्रोन हो जाता है, जो बेबी का बर्थ के टाइम पे ग्रोथ या डेवलपमेंट अच्छा नहीं रहता है। इसको हम बेकर्स हाइपोथेसिस बोलते हैं, यानी कि एडल्ट फिटल ओरिजिन ऑफ एडल्ट डिसीज़, यानी कि एडल्ट में डिसीज़ का मैनिफेस्ट होना, जो कि जब बच्चा माँ के पेट में होता है तभी से शुरू हो जाती है। उसका यही क्या रीज़न होता है? देखिए, उसका बेसिकली यही रीज़न है कि अगर आपका न्यूट्रिशन ठीक नहीं है, तो कई बार क्या होता है कि जो बेबी की ब्लड सप्लाई है वो कम हो जाती है। अब बेबी की ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी तो काफ़ी सारे चेंजेस उसको अडेप्ट करने के लिए बेबी की बॉडी में हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो मेन ब्लड होता है वो ब्रेन में चला जाता है और बाकी सारे ऑर्गन से स्पेयर हो जाता है। यानी कि ब्रेन में तो प्रॉपर ब्लड सप्लाई हो जाती है, तो ब्रेन का प्रॉपर डेवलपमेंट होते रहता है, लेकिन जो बाकी सारे ऑर्गन्स हैं उनकी ब्लड सप्लाई कम हो जाती है। उसकी वजह से बाकी सारे ऑर्गन्स में कुछ ना कुछ एनाटॉमिकल, फंक्शनल, मेटाबॉलिक चेंजेस आ जाते हैं, जो कि ऑलमोस्ट परमानेंट हो जाते हैं। तो ये सारे चेंजेस आ जाते हैं कि बेबी की ब्लड सप्लाई इन सारे ऑर्गन्स में कम है, तो उसी के अकॉर्डिंग बेबी अडेप्ट कर लेता है। तो उन चेंजेस के आने की वजह से बेबी का फर्दर ग्रोथ और डेवलपमेंट डिले हो जाता है। अब ये जब चेंजेस आ जाते हैं, तो जब जैसे ही बेबी की डिलीवरी हुई, उसके बाद लगता है हमें कि अरे, इसका तो वेट बहुत ज़्यादा कम है, तो हम बहुत ज़्यादा खिलाने पिलाने लगते हैं बेबी को, तो उसकी वजह से एकदम कैचअप ग्रोथ होती है, यानी कि एकदम अचानक से बेबी का वेट बढ़ता है, बेबी का वजन अचानक से बढ़ता है, जबकि बेबी के जो चेंजेस थे, जो उसने अडेप्ट किया था, वो उसने लो रिक्वायरमेंट को, यानी कि कम रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग उसके ऑर्गन्स थे वो अडेप्ट हो गए थे, जो कि ऑलमोस्ट परमानेंट चेंज होता है। तो अगर आपने उसको एकदम ज़्यादा भी खिलाया, तो बेबी के ऑर्गन्स में कुछ ना कुछ मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंसेस डेवलप हो जाती है, जिसकी वजह से एडल्ट में जाके बेबी को जल्दी से हाइपरटेंशन होने लगती है, डायबिटीज़ होने लगता है, बेबी को हार्ट डिसीज़ का खतरा बढ़ जाता है, या फिर मोटापे का खतरा बढ़ जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं कि आपको एडल्ट लाइफ में मैनिफेस्ट होती हैं डिसीज़, लेकिन इन सब का ओरिजिन आपका बचपन से ही होता है।
इसीलिए बोलते हैं कि आपका हेल्दी न्यूट्रिशियस डाइट लेना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिससे कि आपके बेबी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अच्छे से हो और उसे फ्यूचर में कोई भी डिसीजेस का प्रीडिस्पोजिशन ना रहे। इसलिए आप अपनी डाइट का खास तौर से ध्यान रखिए। अब जो डैडीज हैं उनके लिए क्या सलाह रहेगी, देखिए आपको मॉमीज को चेयरफुल रखना है। अगर मदर्स स्ट्रेस में जा रही है तो आपको कोशिश करनी है कि उनका स्ट्रेस मैक्सिमम टाइम रिलीव कर सकें, क्योंकि मदर्स जितना हैप्पी रहती हैं उनके बेबी का डेवलपमेंट उतना ही अच्छा होता है, ये स्टडीज़ में देखा गया है। तो आपको मदर को ज़्यादा से ज़्यादा खुश रखने की कोशिश करनी है और उनको सपोर्ट प्रोवाइड करना है, मेंटल सपोर्ट भी देना है, उनको इमोशनल सपोर्ट भी देना है। साथ ही में आप इस टाइम पे अपने बेबी के नाम के बारे में भी सोच सकते हो कि बेबी गर्ल हुई तो क्या नाम होगा, बेबी बॉय होगा तो क्या नाम होगा। उससे आपको प्रेगनेंसी को एंजॉय करने का इंटरेस्ट बना रहेगा, तो आप ये सब चीज़ें फॉलो कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करना ना भूलें। अगर आपने इसे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को ढेर सारे लोगों के साथ शेयर करिए। थैंक यू, बाय बाय।